YouTube में जाकर सिटी न्यूज पलामू को सब्सक्राइब करें व बेल आइटम को दबाकर परमंडल की ताजा खबर पाएं सबसे पहले सबसे आगे। स्थानांतरण रद्द करने सहित अपनी विभिन्न मांगों के समर्थन में झारखंड राज्य पशुपालन विभाग चतुर्वर्गीय कर्मचारी संघ की पलामू इकाई का आज 25वें दिन भी बेमियादी धरना जारी रहा। पशुपालन विभाग क्षेत्र निदेशक कार्यालय के समक्ष धरना पर बैठे कर्मचारियों ने बेमियादी धरना कार्यक्रम के पीछे प्रमुख कारणों में क्षेत्र निदेशक को हठधर्मी होना बतलाया। धरना कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों के स्थानांतरण के विरुद्ध सरकार से विधानसभा सत्र के दौरान प्रश्न पूछे गए हैं, जिसका उत्तर पशुपालन विभाग को देना है। कहा कि अहंकार और हठधर्मिता का क्षेत्र निदेशक परित्याग कर चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों के स्थानांतरण को रद्द करने की कार्रवाई करे ताकि धरना को समाप्त किया जा सके। धरना कार्यक्रम में महासंघ के संयुक्त महासचिव विनीत कुमार के अलावे राज्य महासंघ के संघर्ष कल्याण परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष सुरेंद्र तिवारी, उपाध्यक्ष विनोद कुमार मित्र सहित दर्जनों की संख्या में कर्मचारी उपस्थित रहे, जबकि आज धरना कार्यक्रम की अध्यक्षता संघ अध्यक्ष बृजमोहन चौधरी ने की। विगत 25 दिन से धरना पर बैठे हुए हैं। धरना भी किस लिए? तो राज्य सरकार के कैबिनेट के आदेश को मनवाने के लिए। जिस आदेश को राज्य सरकार ने जो आदेश निकाला है और जिस आदेश को सभी क्षेत्रीय पदाधिकारियों को मानना है, उस आदेश को यहाँ के क्षेत्रीय निदेशक जो प्रभारी है वो मानने से इनकार करते हैं। कैबिनेट की चिट्ठी है कि किसी भी परिस्थिति में स्थानांतरण नहीं होना है, लेकिन ये क्षेत्रीय निदेशक जो प्रभारी हैं पूर्ण पद पर है भी नहीं, वो मनमाने ढंग से स्थानांतरण कर दिए हैं, इसलिए कि उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाया है गया है। आवाज़ कौन उठाया है? मेरा जिला पशुपालन सचिव जो हमारी हैं दुर्गा देवी जी, जो अनुसेविका के पद पर कार्यरत हैं, उनको उन्होंने मनमाने ढंग से स्वीपर यानी डोम के पद पर उन्होंने स्थानांतरण कर दिया है, जो सरकार के नियम के प्रतिकूल एकदम है। झारखंड सरकार का स्पष्ट आदेश है कि 8 दिसंबर के बाद कोई स्थानांतरण झारखंड में नहीं होगा। उसके अलावा पशुपालन विभाग का अपना इनका निर्देश है कि नवंबर माह में से ही निर्देश प्राप्त सरकार से आ गया है कि ट्रांसफर नहीं करना है, बिना ऊपर के आदेश लिए हुए विशेष परिस्थिति में ही ट्रांसफर हो सकता था, जिसको अभी मंत्रिमंडल सचिवालय ने अपने पक्ष से उसको भी कैंसिल कर दिया कि कोई स्थानांतरण नहीं होगा, लेकिन उन्होंने स्थानांतरण कर दिया इसलिए कि दुर्गा देवी ने उनके घोटाले के खिलाफ आवाज़ उठाया। आपको मालूम है कि अभी पशुपालन विभाग में अभी विगत वर्ष में भ्रष्टाचार के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो ने छापा मारा था, एक पदाधिकारी कर्मचारी को अरेस्ट किया था। तो ये पशुपालन विभाग जो जिसका जो हमारे बिहार का या आज के झारखंड का पहचान बन गया है, वो आज भी भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। आप उदाहरण देख सकते हैं, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आज जेल में बंद है, तो आज भी पशुपालन विभाग में कोई सुधार बुनियादी सुधार नहीं हुआ, आज भी वही भ्रष्टाचार वही व्यवस्था बनी हुई है। हम आज आवाज़ उठा रहे हैं, आज 25 दिन से धरने पर बैठे हुए इसलिए कि सरकार का झारखंड सरकार का आदेश का पालन हो। यहाँ पर हमारा स्थानांतरण से ज़्यादा महत्वपूर्ण है झारखंड सरकार के आदेश का पालन, जो ये क्षेत्रीय पदाधिकारी मनमाने ढंग से आदेश को मानता है, किसी जो मतलब का आदेश उसको मानता नहीं तो नहीं मानता, वो आज भी मानने से इनकार करता है उस आदेश को। आपको बता दूं मैं, हमारे जो लोकप्रिय विधायक है इस क्षेत्र के, उन्होंने विधानसभा में इस संबंध में प्रश्न भी किया है, पशुपालन विभाग को इसका उत्तर देना है कि क्या यह स्थानांतरण सही है, अगर सही है तो किस व्यक्त बताएगी कैसे सही है, जबकि स्पष्ट सरकार का आदेश क्या स्थानांतरण नहीं करना है, राज्य सरकार को इसका उत्तर देना है। तो इसलिए हमारा धरना अनिश्चितकालीन है, जारी रहेगा और हम अहिंसात्मक ढंग से और लोकतांत्रिक ढंग से इस आंदोलन को जारी रखेंगे। बस पशुपालन विभाग में कर्मचारी हैं, हम लोग 10 कर्मचारी को ट्रांसफ़र कर दिए हैं, जो कि अभी आदेश नहीं है, फिर भी वो कर दिए हैं। और हमारा अनुसेवक के पोस्ट पर बहाली हुआ है और उन्हें हमारा सुपर पे और माली पे कर दिए हैं, इसलिए हम वहाँ नहीं जा रहे हैं, विरमित भी कर दिए हैं लेकिन हम अभी तक ज्वाइन नहीं किए। सरकार का आदेश है कि अभी ट्रांसफर नहीं करना है। दिसंबर में चिट्ठी निकला है लेकिन फिर भी ये दिसंबर में 29 दिसंबर को हम लोग के कर दिए हैं, इसलिए हम लोग आंदोलन पर बैठे हुए हैं।